नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज का हमारा जो वीडियो है वो बकरियों के एक ना बेहद ख़ास बीमारी के ऊपर होने वाला है, जो लकवे की शिकायत है। जैसा कि आप लोग वीडियो में ही देख रहे हैं, तो जैसे ये ना जुगाली करते समय जो भी इसके मुँह में होता है ना, इसको मुँह का लकवा अपन कह सकते हैं कि जो जवान इसकी बाहर आ जाती है और जो भी जुगाली कर रही होती है उस टाइम पे जो भी ये खा रही होती है सब बाहर आ जाता है और ये बहुत ही गंभीर बीमारी बन जाती है। तो जो भी किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जानकारी जुटाना बहुत है ना ज़रूरी हो जाता है। हमको ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ता है, तो हमें इनके बारे में पहले ही पता होना चाहिए, ताकि ऐसी समस्या जब कभी हमारे फार्म पर या हमारे यहाँ पर बकरियों को हो, उस टाइम पर हम इन्हें है ना समय रहते इनका उपचार कर सकें। तो मैं आज इस वीडियो में देसी उपचार बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के ओनर का भी नाम बताऊँगा जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है ना। जो इन्होंने दवाई बताई है वो अजमाई हुई है, तो और ये प्रैक्टिकली तरीके से उन्होंने बकरी को ठीक भी किया है, तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊँगा। तो किसान भाई वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहो, और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हरीश यादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी बकरी पालन से संबंधित और मुर्गी पालन से संबंधित वीडियोस लेकर आऊँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारे ओसू गोट फार्म है ना, जो साथिन में है, पीपड़ के पास राजस्थान में, वहाँ का है। तो उन्होंने ये वीडियो दिया है ताकि ये इस बीमारी का किसानों को भी पता चले, और इसके इलाज के बारे में भी उन्होंने पूरी तरीके से मतलब घर में ही एक इलाज बताया है, पूरा नेचुरल तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जब भी कभी आपको बकरी को ऐसा लगे, तो सबसे पहली बात कि आपको बकरी को झुंड से थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अलग करके रखना है, ताकि ये जो मुंह के लकवे की शिकायत है इस बकरी से किसी दूसरी बकरी पर ना जा सके। इसलिए कुछ दिनों के लिए इसका खान पियन जो है वो अलग करके रखना है। और देखिए, इसमें आपको उपचार के रूप में आपको देना है सुबह और शाम लहसुन की जो 5 कली होती हैं उसको छील कर, उसको बढ़िया से उसको कुचल कर बढ़िया से, और फिर बकरी को उसको खिलाना है। आपको सुबह शाम खिलाना है, ये 5 दिनों के अंदर आपको बकरी ठीक हो जाएगी। ये देखिए, जैसे अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये जो बकरी है ये वही बकरी है जिसमें हमने इसका उपचार किया था। ये जो दवाई है ये बताई थी आपको, नॉर्मली हर एक किसान दोस्त के पास लहसुन मिल जाएगा, तो जो लहसुन की कली है वो 5 आपको लेनी है। उन लहसुन को बढ़िया से छील कर, उन्हें बढ़िया से है ना कूच कर, बारीक बनाकर उसका पेस्ट जो है वो आपको बकरी को खिलाना है। आप सुबह शाम दोनों टाइम खिला सकते हैं, है ना। अभी ये इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा होगा, तो आपको अगर कोई समस्या आती है या आपको कोई और भी अधिक जानकारी चाहिए है, तो आप उन्हें कॉल भी करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि अभी गर्मियों का समय है, तो गर्मियों के समय में लहसुन थोड़ा सा कम ही रखें, है ना। 5 की जगह आप 3 या 4 ले सकते हैं, ताकि आपकी बकरियों को है ना और लहसुन से जो होने वाली समस्या है वो ना हो, क्योंकि इसमें ऐसा कभी अक्सर हो जाता है कि उनको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लहसुन की मात्रा को थोड़ा सा कम करके रखें, है ना, तो ये समस्या नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए मेरी साइट पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देखिए, वहाँ पर भी जाइए, विजिट करिए और उसे भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।